दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे किस तरह एक फेसबुक रील को वायरल किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, दिखाया जाता है। अब उसके ऊपर बात करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि फेसबुक रील को वायरल करने के लिए उसे अपलोड कैसे किया जाता है और उसे किस तरह आप अपलोड करके वायरल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने फेसबुक पेज पे आ गया हूँ। तो ये क्रिएट स्टूडियो है फेसबुक का। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रिएट है रील की ऑप्शन आ रही है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपल क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे सीधा ही आके मैं वीडियो को ऐड ऑन करता हूँ, जिस वीडियो को मैंने अपलोड करना है अपने उस पर। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और कि वीडियो की आवाज़ बीच में ना आए वीडियो बनाते वक्त। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। जब भी आप फेसबुक रील डालते हैं, जैसे कि इसका टाइटल मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज़ वन करके मैंने ऐसे एक टाइटल लिख दिया। अब टाइटल के अंदर ही आपने हैशटैग डालने हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे पॉपुलर हैशटैग यहाँ पे आपको दे जा रहे हैं, जो कि इंस्टाग्राम रिसेंट जो पॉपुलर हैशटैग है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि रिसेंट जो पॉपुलर हैशटैग है आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते से ऐड ऑन ऐड, तो वो ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जो पॉपुलर हैशटैग है जो भी चल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो यहाँ पे आप उन्हें उठा लीजिएगा। जो भी आपको हैशटैग लगता है कि आपके यूजेस का है उसे उठा के ऐड ऑन कीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। आप ऐसे यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। लेस देन 5 हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 हैशटैग से ज़्यादा यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, 5 हैशटैग यूज़ करने हैं। अब दूसरी चीज़ आती है आपकी इमेज, आप कैसी इमेज यूज़ कर रहे हैं, कवर पिक्चर, थंब इमेज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप सीधा उसे अपलोड कर सकते हैं। कोई भी इमेज को यहाँ से अपलोड कर लीजिए, जैसे कि ये इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली, तो अपलोड कर सकते हैं। या किसी फ्रेमवर्क के थ्रू इमेज बनानी है, जो आपके फ्रेमवर्क है उसके ऊपर इमेज बनानी है, तो यहाँ से आप फ्रेमवर्क को बना सकते हैं। चॉइस आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से चॉइस या सजेस्ट कर लेगा। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं किसी के साथ, किसी का नाम आप देना चाहते हैं कि मैं इसके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसका नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि मैं इनके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, जतिंदर सिंह, तो इनकी आईडी को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे ऐट द रेट लगाइए। अब ऐट द रेट लगा के जो इनकी आईडी आ जाए आ जाएगी आपके पास, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2-3 आईडी आ गई है जतिंदर सिंह के नाम पे, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप उनकी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, जो भी आप वेबसाइट यहाँ पे डालना चाहते हैं वहाँ का लिंक डाल दीजिए। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे ऊपर और आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या करना होता है एक वीडियो को वायरल करने के लिए। देखिए सर, सबसे पहले तो जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो उसे वायरल करने के लिए आप उसे टेक्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल रही है, ऑडियो की मिल रही है, क्रॉप की मिल रही है, टेक्स्ट की मिल रही है और एनालिसिस की मिल रही है। तो यहाँ पे आप इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं रील्स के अंदर, तो ज़रूर उसके अंदर म्यूज़िक ऐड ऑन कीजिएगा। म्यूज़िक की आवाज़ आप कम कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने ये म्यूज़िक ऐड ऑन किया, जो ओरिजिनल वॉल्यूम वो ज़्यादा है, जो ऑडियो वॉल्यूम आप उसे कम कर दीजिए, कि जब भी आप बोल रहे हो तो उसके पीछे म्यूज़िक चले तो अच्छा लगता है, लोगों को देखते हुए अच्छा लगता है, म्यूज़िक भी आता है। आप जब बोलना बंद करते हैं तो पीछे से हल्का सा म्यूज़िक प्ले होता है, तो इस तरह भी आप एक वीडियो को पॉपुलर कर सकते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आपकी ओरिजिनल आवाज़ तो आ ही रही है, बट जो आपके पीछे जो म्यूज़िक चल रहा है उसके साथ आपको पता ही है कितना अच्छा लगता है बोलते हुए व्यक्ति, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली ऑप्शन, ये है क्रॉप। क्रॉप क्या करता है कि आपकी जो ओरिजिनल वीडियो है, जैसे कि ओरिजिनल वीडियो उसे स्मॉलर कर सकते हैं हम, उसे बड़ा कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्रॉप की ज़रूरत है तो ज़रूर क्रॉप को यूज़ कीजिएगा। मैं ज़्यादातर दोस्तों को ये बोलता हूँ कि टैक्स की ऑप्शन ज़रूर लाजमी आप यूज़ कीजिए करिएगा, क्योंकि टैक्स की ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई टैक्स लिख देता हूँ हाई का, मैंने हाई लिख दिया। अब हाई आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, मैं अभी इसे थोड़ा ही अलग तरीके से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर कर दिया इसका ये, और बैकग्राउंड ऐसा कर दिया है। अब साइज़ को मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब आपको इसको ढूंढना है कहाँ पे, तो ये आपकी वीडियो के ऊपर होगा। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो के ऊपर जो खाली स्पेस है वहाँ पे आप भरना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसे टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शनें मिल जाती है, आप ऐड ऑन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है।
अब बात करते हैं वायरल करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये सब चीज़ों को जो कि आपको आपका पेज मोनेटाइज है तो उसे एक्टिवेट कर दीजिएगा, फेसबुक रील को भी एक्टिवेट कर दीजिएगा कि जब भी कोई आए वीडियो देखो आपको पैसे जनरेट करके दे। सेम ऑप्शन इसमें शेड्यूलिंग सेवर ड्राफ्ट सबकी है, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें वायरल करना है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वायरल। जब भी आप रील अपलोड करते हैं तो उसे अपनी स्टोरी में एड ऑन जरूर कीजिएगा, तो स्टोरी आपने लगानी लगानी है उसी वीडियो के अंदर। दूसरी, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं साथ ही साथ शेयर ग्रुप के ऑप्शन भी एड ऑन कीजिएगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि मेरी वीडियो पूरी तरह अपलोड हुई है कि नहीं हुई, हो चुकी है तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आप इसको स्टोरी और ग्रुप के अंदर जरूर ऐड ऑन कीजिएगा। अगर आपका कोई प्लेलिस्ट है तो उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर भी इसे ऐड ऑन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का पोल बनाना चाहते हैं कि लोगों से जानना चाहते हैं कि जो आप वीडियो बना रहे हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब करते हैं कॉन्टैक्ट योर रील एंड वीडियो, तो ये आप एड ऑन एक फीचर है जिससे ऊपर ये होता है कि जो भी आपकी वीडियो वायरल हुई है आप उसके साथ इसका लिंक कर देते हैं। लिंक इन द सेंस ये है कि किसी वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यू आए हैं तो आप उस वीडियो को इसके साथ लिंक कर दीजिएगा। अगर कोई पर्सन वो वीडियो देख रहा है तो ऑन द स्पॉट उसे ये वीडियो भी दी जाएगी देखने के लिए फेसबुक की तरफ से, तो ये आप कर सकते हैं। अब बाकी ऑप्शन ऑलरेडी टिक मार्क होती है, ऑल गिफ्ट जैसे मैंने आपको बताया हुआ है गिफ्ट के बारे में भी रीमिक्स, तो ये चीज़ें ऑलरेडी मिक्स होती हैं, तो यहाँ पे आप इसे पब्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं, ये आपके